नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल रक्षाबंधन का स्पेशल त्यौहार। वंदे मातरम राखी ने मचाई धूम। इस समय खूब बिक रही है वंदे मातरम व तिरंगा की राखी। बहन भाई के प्यार का पवित्र त्यौहार राखी 15 को धूमधाम से मनाया जाएगा। देशभक्ति से परिपूर्ण होगा इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। रक्षाबंधन का पवित्र और पावन त्यौहार इस समय आ रहा है। दुकानों पर रंग बिरंगी राखियां सजनी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार तो देशभक्ति से प्रेरित राखियां भी बाजार में उपलब्ध हैं। इस बार न केवल तिरंगे की राखियां बाजार में हैं, बल्कि वंदे मातरम राखी भी उपलब्ध है, जो कि भाइयों को कलाई पर बहने बांधेगी। बहने की भी अधिकतर चाह है कि वंदे मातरम और तिरंगे की राखी ही खरीदे जाए। ज़्यादातर फौजी भाइयों की बहने देशभक्ति से प्रेरित राखी ही खरीद कर अपने भाइयों के पास भेज रही हैं। पुलवामा अटैक व धारा 370 हटाए जाने के अक्सर राखी बाजार में खूब बिक रही है। बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर देशभक्ति से प्रेरित राखियां खरीद कर बांधेंगी। इन राखियों की कीमत भी ज़्यादा नहीं रखी गई है, ये राखियां स्पेशल ऑर्डर पर बनाई गई हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि धारा 370 लेट हटाई गई है, जिस कारण धारा 370 से संबंधित राखी नहीं बनवा पाए। दुकानों पर राखी खरीदने आई बहनों का कहना है कि वे तो इस बार देशभक्ति से प्रेरित राखियां ही खरीदेंगी। उनका कहना है कि उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, मोदी जी ने धारा 370 हटा दी, जिससे अब वे इसी ओर बढ़ेंगी। उन्हें अपने देश पर गर्व है। फौजी भाइयों की बहनें तो ज़्यादातर वंदे मातरम की राखियां ही खरीद रही हैं। बच्चों के लिए कार्टून की राखियां भी बाजार में मिल जाती हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस बार वंदे मातरम व तिरंगा की राखी बाजार में बहुत हैं। इसके साथ साथ लव यू टू ब्रदरों और भाई से प्यार BMW की राखियां भी काफ़ी मात्रा में बिक रही है। इन सब का कहना है कि धारा 370 अगर पहले हट जाती तो धारा 370 से संबंधित राखियों का बाजार में आना निश्चित था। इस दौरान राखियों की रौनक बाजार में देखी जा सकती है। दूर दराज रहने वाले व फौज में देश की सेवा करने वाले भाइयों को भी बहनें राखी खरीद कर भेज रही हैं। और इस बार की खास बात यह है कि इस बार बहुत जल्दी ही रौनक बाजार में आ चुकी है। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। जी क्या कहोगे, जो भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन आ रहा है, किस तरह की राखियां जो है बाजार में है ये आप देख रहे हैं? बाजार में आप देख ही रहे हैं, हर तरह की है, जैसे स्वास्तिक वगैरह है, हम जैसे अपने कुछ भी अपना धार्मिक कार्य है उसमें जो यूज करते हैं, धागा है जैसे मोदी का धागा है, इस तरह की सब तरह की राखियां। इस बार जो नई वैरायटी आई है वंदे मातरम है, BMW की गाड़ी है। वंदे मातरम तो आप जानते ही हैं, जैसे अभी मोदी जी ने 370 धारा का ऐसे बिल्कुल हटाया है, उससे सब देशवासी बड़े खुश हैं, तो हम भी खुश हैं, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि वंदे मातरम की खरीदे और बांधे अपने भाई को। भाई को भी एहसास है, मेरे भाई हैं, मेरे पापा हैं, वो भी फौज में थे, भाई भी फौज में है, तो हमारा सीमा एकदम गर्व से एकदम चौड़ा होता है, ऐसे सोचते हैं कि हम भी बोले जोर जोर से वंदे मातरम वंदे मातरम। तो बस तो इस तरह की राखियां ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। हाँ जी अट्रैक्ट कर रही हैं सबको, मेरे को नहीं सबको अट्रैक्ट कर रही हैं। राजवाला जी, रक्षाबंधन का पावन और पवित्र त्यौहार आ रहा है, कैसे मनाते हो आप त्यौहार को? ये भाई बहन के प्यार का त्यौहार है, आपस में जैसे दोस्तों के साथ भी मना सकते हैं। ये आज से ही है, काफी पहले से है, जैसे हुमायूं के लिए राखी भेजी थी, तो इसीलिए इस त्यौहार को हम इस अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए बड़े प्यार से मनाते हैं। भाई बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, इसको निभाने के लिए मेरा किस तरह की राखी जो है आप खरीदने के लिए यहाँ? हम तो सिर्फ भाई और बहन के रिश्ते को पवित्र रखे उसी राखी को ज़्यादा पसंद करते हैं। बाजार में किस तरह की राखी आई है? बाजार में तो सब तरह की राखी हुई है, जैसे BMW कार की आई हुई है, वंदे मातरम की है, और जैसे भाई बहन के सब तरह की, आज तो आजकल के चलन में किस तरह की राखियाँ, बच्चों के लिए कार्टून की राखी है, जैसे स्पाइडरमैन की है, इस तरह की राखियाँ बहुत आई है। राखियों की वेराइटियाँ इतनी है कि देखने में भी हम पजल हो जाते हैं। राखियों का नाम है, इस बार जो राखी आ रही है पहले के मुकाबले में किस तरह से चेंज है? बहुत बढ़िया है, हर बार चेंज आई हुई है, अपने बार पहले का कोई मान नहीं होगा। किस तरह से सबसे अच्छी राखी आई है? 400 400 400
दस रुपए से स्टार्टिंग है, 1000 रुपए तक की है। सर वो माल है वो कौन से प्रदेश का यहाँ पर आ रहा है? कलकत्ते का। कितनी राखियाँ जो है अभी से बिक्री शुरू होगी, क्योंकि लोग जो है काफ़ी बहनें जो है अपने भाइयों को पोस्टल द्वारा ही भेजती है, लगभग बहुत सारी भी जाती है, आ रहे हैं ग्राहक आ रहे हैं। बिल्कुल सर, कौन सी जो राखियाँ हैं, कितनी कीमत की राखियाँ जो है वो बिक रही है? कौन सी स्टेटिंग आ रही है सबसे अलग से, कौन सी सबसे अलग आई है? ग्रो की आई है जो ऑनलाइन बिकती है, अब जो ऊपर हमारे लेडीज के लंबे आए हैं ना, वो हमने बुटीक के बनवाए थे, ले रहे हैं और जो हमारी ब्रो वगैरह की राखियां आई है ना, वो भी दिखा सकती हूँ। राखी आई लव माय ब्रदर की राखी, ब्रो के साथ बाइक स्वैग ब्रो, इस तरह की राखियों को टीन एज के बच्चों ने ज्यादा पसंद किया, क्योंकि उनको उसमें ना एक स्टाइल दिखता है। कुछ बच्चे स्टाइल में भी लेते हैं राखी। जो वंदे मातरम की राखी है या फिर जो अन्य देशभक्ति से संबंधित राखी है, उसका कितना असर दिख रहा है? उसका असर इस बार बहुत अच्छा देखने को मिला है, क्योंकि लोगों को ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट मिला और उनको इस चीज को खरीदने में बहुत अच्छा मिला। कितने तक की राखियाँ जो है बिक रही है आपकी बार? राखियाँ तो मेरे पास ये लगा लो आप 5 रुपए से स्टार्ट हो जाती है और मेरे पास 400-500 तक की राखी है। ज्यादातर किस जो है रेंज की राखियाँ बिक रही है? मिली जुली राखियाँ बिकती है, सब तरह का कस्टमर है, किसी को महंगी राखी चाहिए, किसी को सस्ती राखी चाहिए, तो दोनों तरह की राखियाँ बिकती है।